मैंने कैसे YouTube स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया और मेरा इंटरेस्ट मोटर व्लॉगिंग में कैसे आया। पहले मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाता था और कि मैंने गाड़ी क्यों परचेज करी और ये एंटॉर्की क्यों परचेज करी। बाकी चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बात है 2020 की, जब मेरे बोर्ड्स खत्म हुए 10th के और मुझे फिर क्रेज चढ़ा थोड़ा लाइफस्टाइल ब्लॉग का बनाने का। मैं ब्लॉगर्स को देखता रहता था। उसके बाद मेरे पास 6 iPhone 6 था उस टाइम, 5S था। उसके बाद मैंने उसे बेच के 6 लिया। 6 के बाद मैंने थोड़ा अपने आप को, मैं कैप्चर करना पसंद था मुझे, मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता था। फिर एक दिन हम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, फिर वीडियो बनाई, उसको एडिट करके मैंने यूट्यूब पर डाल दी। धीरे धीरे ऐसी क्रेज़ मेरा बढ़ता गया लाइफस्टाइल ब्लॉग के ऊपर। अपने आप को दिखाना अच्छा लगता था मुझे यूट्यूब पर। तो ये मेरी स्टार्टिंग के पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने स्टार्ट किया था ऐसे। धीरे धीरे मेरा क्रेज़ बढ़ा लाइफस्टाइल ब्लॉग को लेकर, मैं ब्लॉग्स बनाने लगा। तो मैंने अपग्रेड करा फ़ोन के ऊपर। उस टाइम मेरे को फ़ोन दिलाया जब मेरी 12th हो चुकी थी, मेरे को फ़ोन दिलाया घर वालों ने, मैंने फ़ोन लिया। तो उसके बाद फ़ोन लेने के बाद जनवरी की स्टार्टिंग के बाद मैंने जब स्कूटी परचेज़ करी, मेरे को स्कूटी दिलाई गई। ये आप देख सकते हो, मैं व्लॉगर्स को, मोटर व्लॉगर्स को देख के मेरा क्रेज़ बढ़ा है, क्योंकि बाइक्स और स्कूटीज़ वगैरह मुझे बहुत पसंद है, मॉडिफिकेशन वगैरह भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये स्कूटी परचेज, पहले मैं थॉर एडिशन परचेज़ करने जा रहा था इसका, तो रिसेंटली ये उसी टाइम लॉन्च हुआ था, तो फिर मैंने इसलिए ये परचेज़ किया। और इसका एडिशन बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत अच्छी थी। स्कूटी में सबसे सुपीरियर आती है एंटॉर्क, इसलिए मैंने ये परचेज़ करी। वाइज बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की, मुझे मॉडिफिकेशन कराना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है। और यहाँ पे मैंने अपना ये लिखा रखा है 16, मैंने इसलिए लिखा रखा है कॉज मेरा बर्थडे आता है 16 दिसंबर को। और मैंने लाइटनिंग में थोड़ा स्मूथ करा रखा है, नाम वगैरह लिखा रखा है, मतलब इतनी मॉडिफिकेशन करा रखी है जिससे कि गाड़ी थोड़ी सही लगे। मैंने ज़्यादा भी ओवर नहीं करा रखी है, तो मैंने इसलिए करा रखी है ये गाड़ी में मॉडिफिकेशन, क्योंकि मुझे मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लुक वगैरह वाइज बहुत अच्छी लगती है अपनी स्कूटी, जैसे कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो भाई बात कर लेते हैं अब शॉप की और शॉप एंड प्राइस की, मैं कहाँ से मॉडिफिकेशन कराता हूँ और मैं मतलब बड़े बड़े उसमें क्यों नहीं जाता शॉप्स में मॉडिफिकेशन करवाने। और मैं इतना खर्चा इस पर इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं एक एज अ स्टूडेंट मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, और जितना मेरे से होता है मैं उतनी सेविंग से बचा के करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जितनी भी मॉडिफिकेशन आप लोग देखते हो। और मैं प्राइस भी साथ साथ बताते रहता हूँ उस वीडियो में जो भी मैं मॉडिफिकेशन करवाता रहता हूँ। तो ड्यू टू बजट में उस हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। हर चौक पे तुम्हें पुलिस वाले दिखेंगे भाई। हाँ, पुलिस वाले कुछ ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे मोटर व्लॉगिंग को लेके? तो भाई ये वो सवाल बहुत लोगों के अंदर आ रहा होगा जो लोग मुझे देखते हैं कि पुलिस वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं मोटर व्लॉगर्स को लेकर, ड्यू टू क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट लगाते हैं, मतलब जो अनहेल्दी नॉइस क्रिएट करता है, लोगों को परेशान करते हैं वो अलग, जो भी जैसे इतने वो एग्जॉस्ट वाले चेंज करने वाले मोटर व्लॉगर्स हैं और जो दुनिया भर की रैपिंग वगैरह कराते रहते हैं, नकली एग्जॉस्ट लगाते रहते हैं, तो वो इसलिए पुलिस वाले ज़्यादा स्ट्रिक हो चुके हैं मोटर व्लॉगर, एक दो मोटर व्लॉगर्स को लेकर। सारे मोटर व्लॉगर्स ऐसे नहीं है, एक दो मोटर व्लॉगर्स हैं जो कि मतलब जो थोड़े लॉ को फॉलो नहीं करते, रूल्स वगैरह तोड़ते हैं, लाइट को तोड़ के भाग जाते हैं, पुलिस वाले इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक हो गए। मेरी अपील आप लोग से ये है कि आप लोग मुझे इतना फॉलो ना करें, कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो मेरे से, कि आप जैसे मैं करता हूँ मॉडिफिकेशन वैसी मॉडिफिकेशन करो, और कि लॉ वगैरह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल लॉ को बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मेरा जब 18 प्लस हुआ था मैंने उसके बाद ही गाड़ी परचेज़ करी है, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। और जो भी क्राउडी एरिया है मैं वहाँ ज़्यादा, जहाँ पे पुलिस वगैरह का वो रहता है, वहाँ मैं ज़्यादा वीडियो शूट वगैरह नहीं करता, क्योंकि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। तो गाइस एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो भी जितने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे और देखते हैं मुझे जो कमेंट्स वगैरह करते हैं, कि आप लोग मेरी तरह की बिल्कुल भी नहीं कराएं मॉडिफिकेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट ना कराएं, थोड़ी बहुत मैं कराता हूँ क्योंकि मुझे ये लोग ये करना बहुत पसंद है, ऑडिशन वगैरह कराना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कराता हूँ। बाकी आप लोग मुझे इतना फॉलो ना करें कि बिल्कुल सेम आप ये मॉडिफिकेशन कराओ, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हमें ध्यान में रखना है, सबको फॉलो करना है, उस तरीके से हम मॉडिफिकेशन करा सकते हैं थोड़ी बहुत जितनी अलाउड होती है। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगेगी छोटी सी। बाकी आप लोगों को पता है कि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट हुई है आप लोगों की वजह से, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जर्नी पसंद आई होगी। बाकी अभी बहुत आगे जाना है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे साथ में। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलता हूँ।